शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिल्म में पर्दे पर मैजिकल लगती है। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त बनती है और एक समय पर इनके बीच इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि कई फैंस को लगता था असल में दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर आपको एक हैरान करने वाली बात बताते हैं कि शाहरुख खान और काजोल दोनों शादी करने के लिए भाग रहे थे और इन्होंने अपना प्लान कैब ड्राइवर को भी बताया था, जिसने ये बात सबको बताई थी। जी हाँ, आपको ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, पर यह सच है। तो कौन था वो कैब ड्राइवर? क्या वाकई में काजोल शाहरुख खान बात कर शादी कर रहे थे? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, पर उससे पहले इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शाहरुख खान और काजोल बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक है, जिन्होंने साथ में 7 फिल्मों में काम किया, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना और माय नेम इज खान जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसमें इनके रोमांस को देख सबको इनके असल में कपल होने की आशंकाएं लगती थी। पर दोनों ने खुद को हमेशा एक दूसरे का दोस्त ही बताया। पर एक बार ये दोनों ही शादी करने वाले थे, वो भी भागकर। इन्होंने कैब ड्राइवर को अपनी सारी प्लानिंग भी बताई थी और उसी बात का इनके एक फैन ने वीडियो भी बनाया था, जिसे इन्होंने शेयर भी किया है। वीडियो में शाहरुख और काजोल कैब लेते नजर आ रहे हैं। उनका स्वागत एहरान नामक एक कैब ड्राइवर द्वारा किया जाता है। कैब ड्राइवर काजोल और शाहरुख को बता रहे हैं कि वो शादीशुदा लग रहे हैं। इसके बाद शाहरुख ने तुरंत मजाक में कहा कि वो भागकर शादी करे हैं। हालांकि किंग खान ने ये बात मजाक में कही थी और इस तरह से सभी को ये लग रहा है कि काजोल और शाहरुख आपस में एक साथ भागकर शादी करने वाले थे, जबकि ये सिर्फ एक मजाक था। वेल दोस्तों, काजोल और शाहरुख के इस खुलासे के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।